लोहार, यशवंत लोहार। नाना पाटेकर को बॉलीवुड का दूसरा एंग्री यंग मैन कहा जा सकता है। जब भी किसी फिल्म में उनका मूड खराब हो जाता था तो समझ लीजिए वहीं से जबरदस्त डायलॉग्स की बरसात होना शुरू हो जाती थी। नाना पाटेकर अपनी एक्टिंग से लगभग हर किसी का दिल जीत चुके हैं, उन्हें करोड़ों फैंस का प्यार हासिल है। आइए देखते हैं उनकी सुपरहिट फिल्मों से उनके सुपरहिट डायलॉग्स। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो और सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। ये डायलॉग है फिल्म यशवंत से। इस फिल्म का ये डायलॉग लोग कभी नहीं भूल सकते। ये फिल्म 7 फरवरी 1997 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे नाना पाटेकर, मधु, शफी इनामदार और मोहन जोशी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनिल मट्टो ने। इस फिल्म में नाना पाटेकर ने सभी कलाकारों को अपनी दमदार एक्टिंग से ओवरशैडो कर दिया था। ये फिल्म शफी इनामदार की आखिरी फिल्म थी जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। उनकी साल 1996 में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। चलते हैं नाना पाटेकर के अगले डायलॉग की तरफ। भारत मेरा देश है, बेईमानी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी भ्रष्टाचारी मेरे भाई बहन है, भारत के सभी गुंडे, लुटेरे, बलात्कारी, हत्यारे मेरे रिश्तेदार है, उनकी सेवा, उनकी समृद्धि मेरा परम धर्म है, जिंदगी भर मैं उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा। इट शुड बी लाइक दिस, यू नो। ये दूसरा डायलॉग भी फिल्म यशवंत से लिया गया है। ये फिल्म 7 फरवरी 1997 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे नाना पाटेकर, मधु, शफी इनामदार और मोहन जोशी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनिल मट्टो ने। ये डायलॉग भारत में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के ऊपर एक कटाक्ष है। ये दुख नाम की बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं, इसका इलाज खुद ढूंढना पड़ता है, दुख को भूलना पड़ता है। देख, बीवी बच्चे का श्राद्ध किया, क्या नहीं था उसके पास, पैसा था, गाड़ी थी, बंगला था, बच्चा था, बच्चे को मार डाला, खुद को चला डाला, हम क्या किया, देखते बैठा, भूल गया, सर नहीं पकड़ के बैठा है कुछ के? ये डायलॉग लिया गया है फिल्म परिंदा से। ये फिल्म 3 नवंबर 1989 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे नाना पाटेकर, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ। इस फिल्म को विधु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। परिंदा में बेहतरीन एक्टिंग के लिए नाना पाटेकर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता साले, बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला। ये डायलॉग है फिल्म क्रांतिवीर से। ये फिल्म 22 जुलाई 1994 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे नाना पाटेकर, डिंपल कपाटिया और परेश रावल। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मेहुल कुमार ने। इस फिल्म के लिए नाना पाटेकर को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्म उस साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म रही। मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून, ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है, इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। ये डायलॉग है फिल्म तिरंगा से। ये फिल्म 29 जनवरी 1993 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे राजकुमार, नाना पाटेकर और दीपक शिर्के। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मेहुल कुमार ने। इस फिल्म को पहले नाना पाटेकर ने करने से मना कर दिया था और जब वो इस फिल्म को करने को राजी हुए तो उन्होंने डायरेक्टर के सामने शर्त रख दी कि अगर राजकुमार ने फिल्म में दखल अंदाजी की तो वो तुरंत सेट छोड़कर चले जाएंगे। राजकुमार और नाना पाटेकर सेट पर एक दूसरे से बात नहीं करते थे। हर कोई डिग्री डिप्लोमा ले, इंजीनियर बने, कोई जरूरी नहीं। गावस्कर, तेंदुलकर, जाकिर हुसैन को कोई नहीं पूछता, तुम्हारी डिग्री क्या है।
ये डायलॉग है फिल्म वजूद से। ये फिल्म 1 दिसंबर 1998 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित और मुकुल देव। ये फिल्म डायरेक्ट की थी एन चंद्रा ने। इस फिल्म में नाना पाटेकर ने मल्हार का किरदार निभाया है, जो समाज से नाराज एक कलाकार है, और दूसरा उसको ये भ्रम होता है कि माधुरी दीक्षित द्वारा निभाया गया अपूर्वा का किरदार उससे प्रेम करता है। आइए बढ़ते हैं 7वें डायलॉग की तरफ। हाँ तो सब लोग, हिंदू को नमस्कार नहीं बोलेगा, मुसलमान को सलाम नहीं करेगा, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, क्योंकि अपनी यहाँ लैंग्वेज का लफड़ा करने नहीं आएगा। बराबर के नहीं? बराबर। मैं आप लोगों का तकदीर भी नहीं बताएगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं सड़क पे तमाशा करने वाला और देखने वाला दोनों का तकदीर खराब है। ये डायलॉग है फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन से। ये फिल्म 13 नवंबर 1992 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे शाहरुख खान, जूही चावला, नाना पाटेकर और अमृता सिंह। इस फिल्म के डायरेक्टर थे अजीज मिर्जा। इस फिल्म में नाना पाटेकर ने जय का किरदार निभाया है, जो फिल्म में शाहरुख का दोस्त होता है। मैं समझता हूँ आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए, कम से कम जिंदगी का एक साल देश के लिए देना चाहिए, देना होगा। मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे आज के लोग। ये डायलॉग है फिल्म प्रहार से। ये फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे नाना पाटेकर, गौतम जोगलेकर और माधुरी दीक्षित। इस फिल्म को डायरेक्ट भी नाना पाटेकर ने ही किया था। नाना पाटेकर ने करीब 3 महीने तक पुणे जाकर मिलिट्री ट्रेनिंग ली, ताकि फिल्म में कमांडो के किरदार को वो बेहतर तरीके से पर्दे पर दिखा सकें। आइए बढ़ते हैं 9वें डायलॉग की तरफ। उसने कहा इस्लाम खतरे में है, दिन पर आफत आ गई है, और तूने भून कर रख डाला मासूम को, उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मसल को? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं, क्योंकि तू जाहिल है। ये डायलॉग है फिल्म द अटैक्स ऑफ 2611 से। ये फिल्म 1 मार्च 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे संजीव जायसवाल, नाना पाटेकर और आसिफ बसरा। इस फिल्म के डायरेक्टर थे राम गोपाल वर्मा। ये फिल्म 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले के ऊपर आधारित है। आइए बढ़ते हैं 10वें और आखिरी डायलॉग की तरफ। पिछले 30 सालों में मैंने कभी सारी नहीं कहा। पहले तो ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से सारी बोलना पड़े। यह सारी आदमी को कमजोर बना देता है, और कमजोर आदमी यह रिस्पांसिबिलिटी संभाल नहीं सकता जो आने वाले दिनों में तुम्हें और तुम्हारे कंप्यूटर को अपने कंधों पर लेनी है। ये डायलॉग फिल्म तुम मिलो तो सही से लिया गया है। ये फिल्म 2 अप्रैल 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे कबीर सदानंद, और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे नाना पाटेकर, सुनील शेट्टी और डिंपल कपाड़िया। इस फिल्म की कहानी 3 कपल्स के इर्द गिर्द घूमती है, जो उम्र के अलग अलग मोड़ पर हैं और जिनके लिए प्यार के मायने अलग अलग हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।